और हर एक को पता है कि हजरत इब्राहिम जिंदगी गुजरी पैलेस्टाइन, पैदा बाबुल में हुए, वहां पहुंचे और फिर वो वक्त आया। अब बहुत अहम एक मैसेज आपके लिए, आप अहमदाबाद से यहां पे आए हैं, जमालपुर, ताजपुर, जो कोई भी इलाके हो, क्यों है, मकसद क्या है आपके आने का? कुरान करीम हजरत इब्राहिम के हवाले से बहुत लंबा मेरा शरा, मैं बहुत मुख्तसर 5 मिनट में बात मुकम्मल कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम के हवाले से कुरान जो अजीब दुआएं, इब्राहिम की सबसे मशहूर जो दो दुआएं हैं वो तो अपनी जगह है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना अग़फिर ली वली वालिदैय वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, दोनों इब्राहिम की दुआएं मशहूर, जो मशहूर नहीं लेकिन बहुत अहम दो दुआएं कुरान करीम बता रहा। हजरत इब्राहिम ने दो शादियां की, दूसरी बीवी से बेटा हो गया इस्माइल, अब दोनों बीवियों के दरमियान टेंशन हो गया। वो एक बड़ा मसला है जो आप हजरात तो नहीं समझेंगे, क्योंकि आप में से किसी दो शादियां इसलिए नहीं होंगी कि अगेंस्ट लॉ ऑफ द लैंड, वरना दिल तो पता नहीं आपका कितनी शादियों का जा रहा होगा। खैर, एक अजीब टेंशन पैदा हुआ और फिर इब्राहिम को अपनी एक बीवी को लेकर मक्के की जाने वाना पड़ा। मशहूर वाकयात है, लेकिन इन मशहूर वाकयात के दो मैसेज लोग भूल जाते हैं। अपनी बीवी को ला रहे हैं और अपने बेटे, उस वक्त तक एक ही बेटा था, अकलौता बेटा किसी बाप का, वो भी बुढ़ापे में, लेकिन हालात ऐसे हो गए घर में, वहां से लेके आए और जब मक्के की सरजमीन में लाए तो मक्के में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, काबा भी नहीं था। खुद हजरत इब्राहिम का जुमला कुरान ने आयत बना दी, रब्बे इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरे ज़ी ज़रइन, आए खुदा मैं अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी औलाद को वहां ला रहा हूं जहां घास का एक पत्ता भी नहीं। लेकिन घास का पत्ता ना हो, यह जमीन बहुत अहम है, क्योंकि इंदा बैतकल मुहर्रम, यहां पे तेरा काबिल एहतराम घर, काबे का वजूद नहीं था उस वक्त, दीवारें टूट चुकी थी तूफान नूह में, लेकिन काबा तो बहरहाल दुनिया में सबसे पहली जगह, बता दिया कि काबिल एहतराम जगह पे मुंतकिल होते हैं। लेकिन मकसद पर्पस, लोग कहते जी वो औलाद की तरक्की के लिए यहाँ पे लाए, या एजुकेशन के लिए यहाँ पे आए, या बिजनेस बड़े अच्छे हैं इसलिए आए, या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसलिए आए, या पीस ऑफ माइंड है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है इसलिए आए, यही रीजन लोग बताते हैं माइग्रेशन का। जहां से आदमी आता है, अगर कभी वहां के हालात बहुत अच्छे हो जाए तो रिवर्स माइग्रेशन होता है। हजरत इब्राहिम कहते हैं सारी बातें छोड़ो, क्राइटेरिया एक, मैं तो अपनी औलाद को इसलिए यहां पे लाया हूं कि उन्हें नमाजी बनाना। सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक बाप और मां की यह है कि अपनी औलाद को नमाजी बना। हजरत इब्राहिम ने हिजरत की और इमिग्रेशन लिया मसलन मक्के का, तो रीजन क्या बता रहे हैं? यह भी नहीं बता रहे हैं कि हमारे घर में जो टेंशन है उसकी वजह से, नहीं, असल मकसद है रब्बना लियुकीमुस्सला, ताकि ये नमाजी बने। और अब आ जाइए अय्याम अज़ा में, फजाइल के हवाले से एक आयत आप बहुत सुनते, मगर ये एक नहीं दो आयतें अल्लाह ने इब्राहिम को दिया, और कितना दिया, बहुत दिया, मुसलसल अल्लाह इब्राहिम को देता रहा। क्योंकि ये जुमला आपका बहुत सुना हुआ है तो मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, एक के बाद दूसरी नेमत मिलती रही, यहां तक के इब्राहिम नबी बने, यहां तक के इब्राहिम रसूल बने, यहां तक के इब्राहिम खलील बने, यहां तक के इब्राहिम इमाम बने। काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ये सबसे बड़ा ओहदा मिला। अब तक जितनी चीजें इब्राहिम को मिली लेते रहे, शुक्र करते रहे, इमामत मिली तो तड़प गए, काला व मिन ज़ुर्रियती, ये तो इतनी बड़ी नेमत है कि यह तो मुझे अपनी औलाद के लिए भी चाहिए। नबूवत के लिए जुमला नहीं कहा, रिसालत के लिए ये जुमला नहीं कहा, खुल्लत के लिए ये जुमला नहीं कहा, औलाद की को कब याद किया जब इमामत की बात आई। इतनी बड़ी नेमत इमामत है, इब्राहिम बर्दाश्त ना कर सके, कहा मुझे अपनी औलाद के लिए चाहिए, मगर
क्या खाली इमामत के में औलाद याद आई? नहीं, दूसरी दो चीजें हैं जहां इब्राहिम ने अपनी औलाद को याद किया, रब इज्अलनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती, खुदावंदा मुझे भी नमाजी बना और मेरी औलाद को भी नमाजी बना। तो जैसे अकीदे में इमामत का दर्जा है, वैसे अमल में नमाज का दर्जा। इमामत की बशारत मिली तो औलाद के लिए मांगी, और यहां नमाज का पैगाम आया तो औलाद के लिए नमाज को मांगा। आपका सबसे बड़ा टारगेट, आपका सबसे बड़ा हदफ, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद औलाद को तरक्की दिलवाइए। सर्जन बने, डॉक्टर बने, अकाउंटेंट बने, एक के नहीं 50 डेली कोई उनकी हो जाए, लेकिन असल मकसद है नमाजी बने। ये हजरत इब्राहिम के दोनों जुमले कुरान करीम में एक ही पेज पर मौजूद है, सूरह इब्राहिम आयत 35 से 45 के बीच में एक ही पेज पर, रब्बी जल्नी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती, जहां नमाज की बात आई मुझे भी नमाजी बना और मेरी औलाद को भी नमाजी बना।